BFF अमृता भाई, कौन है अमृता यार? और चलेंगे अभी रॉक गार्डन करने में, रॉक वाला गर्दा करने रॉक को गर्दा करने। एंड ये रहा रॉक गार्डन के टू टिकट्स, जाइए। एंट्री, ये पूरा कॉम्पैक्ट एरिया है, मतलब गार्डन नाम है लेकिन कॉम्पैक्ट चारों साइड से घिरा है, मतलब हम देख भी नहीं पाएंगे। सही है ना एंट्री का? पहाड़ों पे आना जाना, एक रॉक वाली गार्डन का है, पूरा एकदम कॉम्पैक्ट है, चारों से घिरा पड़ा है, कृपया दीवारों पर ना लिखी। ये रहा प्रेम के पुजारी सोनू लक्ष्मी शिवू पूजू और बिल्लू रानी जोट जाट जोट। इधर ना उधर नो एंट्री, इस साइड इधर बहुत चलो। हेलो, मतलब पत्थरों को मतलब साथ में इकट्ठा करके बनाया गया और अब देख रहे हैं काफी बढ़िया सा लग रहा है ये रॉक गार्डन। लुक एट दुबई मॉल हो गया ये तो छोटी सी प्यारी सी डेमो है। चलो भीड़ आने वाली है फास्ट, अब 2 सेकंड वाटर नच बनी है अभी कितनी रस है यहाँ पे। छोटा वाटरफॉल ये नहीं बड़ा वाटरफॉल, इससे भी बड़ी है, अभी इससे भी बड़ी है अभी। हाँ लेकिन ये सबसे प्यारी है, उससे भी ज़्यादा प्यारी। इसके साउंड को सुनिए, साउंड मतलब तुमने कितना बढ़िया लगा है वाटरफॉल के। वाटरफॉल इसलिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि इससे जो साउंड जो ड्रॉपलेट्स आप नहाते भी है, जब उस टाइम ऐसी गर्मी में तो सारे बच्चे छोटे छोटे नहा रहते हैं। आई मेरी ब्लॉगिंग की बारी, ये ब्लॉगिंग भाई शिवम भैया हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है अभी, इसलिए हम चुपचाप बस चले जाते थे। हमने एक ब्रिज छोटा सा काफ़ी प्यारा सा ब्रिज पे जाके फोटो ले सकते हैं। गार्डन के अंदर में ये महल छोटा सा बनाया हुआ एक डिजाइन जो कि एक भव्य रूप ले रहा है यहाँ पे रॉक गार्डन, और एक छोटा सा प्यारा सा हमारा गेट। BFF अमृता भाई, कौन है अमृता यार? झुक झुक के आना पड़ेगा इसको बचा करके अपना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा गेट है और मतलब मोटे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा। सही बताओ तो यहाँ पता ही चल पा रहा है मुझे कि हमें जाना कहाँ से आना कहाँ, सब जगह लिखा माइंड योर हेड मीन्स अपना सिर बचा, इसका मतलब यही वे है जाने का। फेज 3 एग्जिट डॉल मिल रहा तो अपने तरफ नीचे झुकाता है। ये पत्थर वैसा हो गया जैसे हम गांव में सीमेंट खरीद के भूल जाते हैं ना अपने घर को बनाना, तो जैसे चट्टान हो जाता है सेम वैसा ही बन गया ये। और आपका ब्लॉगर भाई का पसीना पानी पानी हो गया ये रहा हाँ हाँ वो बहुत सा दिख अच्छे लगता देखने में। ये एक्चुअल में इतना सुंदर लग रहा है ना कि आपको कैमरे में उतना पता नहीं चलता। डॉल म्यूजियम, और ये डॉल बहुत ज़्यादा खुश हो रही है क्योंकि इनके जैसे यहाँ पे और भी डॉल है। मैं तो चाहूँगा कि ये एग्जिट होने से पहले इनको कहीं और म्यूजियम। सावन के झूलों ने ये फर्स्ट घर है जहाँ पे मिट्टी के घर में भी एसी लगे हुए हैं। ये देखो मिट्टी घर में एसी ब्रांडेड घर। मैं क्या सोच रहा हूँ गांव में भी घर बनाया जाए ऐसा मिट्टी वाला और उसमें एसी लगाया जाए, एसी लगाया जाए। हाँ ऐसा तो कर ही सकते हैं,
जैसे ये कंक्रीट का कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दो तल्ला ऊपर, ठीक है, पिलर को डाल के, और यहाँ पे दो फ्लोर का बना सकते हैं हम, है ना, जिसमें ये वाला डाल देंगे, क्योंकि मैं नेपाल जब गया था ना उस टाइम देखा कि अंदर भी दो फ्लोर का था, मिट्टी वाले में भी। हेलो चाची, बाय। गांधी जी का चरखा, चरक चरक चरक, ये है कुआं, कुआं में धकेल दे, नदे में से इंडा में धकेल दे, ये इंडा कुआं जो कि गांव के पास में इंडा बोलते हैं। लाइट आ रहा, प्रकाश प्रकाश यहाँ से आ रहा, प्रकाश देख रहे, प्रकाश फ्री का कैसे, पैसे पहले ही ले लिए हैं, तीन तीन वाटरफॉल देख लिए, ये बात भी सही है यार, झूला झूलोगे, फिर फिश का भी देख लिए, सबसे कम कॉस्ट है। तो हो गया, अभी पूरा हमने रॉक गार्डन एक्सप्लोर करा, पूरा रॉक गार्डन घूमा, अब हमें जो तीसरा वाटरफॉल मिला था वहीं से अब हमें एग्जिट करना होगा, तो अभी मुझे यहाँ से तीसरे वाटरफॉल के पास जाना होगा, और हम चलो चलते हैं करीब, मुझे आधा घंटा लगेगा जाने, ठीक है, वाटरफॉल के पास फिर से फ़ोटो होगा, टाइम मिलती है तो, अदरवाइज तुरंत निकल के चलेंगे अपने रूम, क्योंकि अभी निकलने में टाइम लगेगी एक घंटा, अभी जो घुमाओ घुमाओ वाला एरिया से फास्टली भागोगे तब 15 मिनट के अंदर में निकल सकते हैं, पर स्लो जाओगे तो लग जाएगी। ओके, तो आप यहाँ से देखोगे डिफरेंट टाइप के जो स्टैचू बने हैं, कुछ स्टोन से, कुछ जो मार्बल कटी फिटिंग है उससे, एंड आगे चल के आपको बैंगल्स। आज के ब्लॉगर मिस कब्रिया के साथ हैं, और हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग कितना बढ़िया करते हैं, उसके हिसाब से इनको लाइक मिलेंगे और कमेंट्स मिलेंगे। ओके, सो प्लीज। और एक और चीज की, यदि आपको हमारा काम और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत सारे बंदर, देखिए क्या क्वालिटी है, मतलब चोरी को बनाया गया, कितना बढ़िया सड़क, और एक नहीं है बहुत सारे, और ये बहुत सारे हैं ना, यही जो खूबसूरती है ना, बहुत बड़ी, ये देखो हमारे जवान कच्चे बंदर भी तो है। तो चले तो बनाने में, ऊपर से चिपका है, बहुत डिफिकल्ट हुआ। हाँ वो सीमेंट की बनी होगी, उसी पे जो चिपका दी, फिर भी तो 1 मिलियन जाएगा। अगर हमारे दोस्त चाहेंगे तो 1 मिलियन जरूर चली जाएगी। ये टेक्सचर देखो, जब तक आप टच नहीं करोगे इसे फील नहीं कर सकते, एंड माइंड योर हेड। हाँ फाइनली हम निकल गए।